ना कोई पनीर, ना खोया मावा, ना कोई क्रीम, ना कुछ बाजार से लाना। जब ऐसी शाही सब्जी घर के सामान से मिनटों में तैयार होगी तो आप शादी पार्टी ढाबा रेस्टोरेंट सब भूल जाएंगे, इसी के स्वाद में खो जाएंगे। जब भी हम किसी शादी में या पार्टी में जाते हैं, एक हलवाई की बहुत ही स्पेशल सब्जी आपने देखी होगी जिसमें खूब सारे मखाने, कंट्रास्ट में हरी हरी मटर और काजू होते हैं। बस हलवाई की उसी ट्रिक के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल वैसी ही सब्जी, बल्कि डिटो सब्जी। इतनी टेस्टी बनेगी कि जो भी खाएगा आपसे रेसिपी लिखवा कर लेके जाएगा, मेरी गारंटी है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी पार्टी वाली स्पेशल शाही मटर मखाना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 कप हरी भरी ताजा मटर। मटर का सीजन है तो इस सब्जी को पहले ही बोल रही हूँ, बनाइएगा जरूर, बहुत पसंद आएगी आपको। साथ ही हम लेंगे 1.5 कप मखाना। मखाना हम सभी जानते हैं कैल्शियम का खजाना होता है और मखाने से बनी चीजें, चाहे वो सब्जी हो, खीर हो, रायता हो, सभी बढ़िया लगता है। तो रेशियो ऐसे समझ लीजिए कि 1 कप अगर मटर ले रहे हैं तो 1.5 कप मखाने, मतलब उसके अनुसार बराबरी हो जाएंगे, हमें लेने होंगे। मतलब ये मटर मखाना सर्दियों की ऐसी खास सब्जी है कि जैसे मेहमान जब भी आने वाले होते हैं घर में तो हमेशा पनीर के बारे में सोचते हैं कि चलो कोई सी पनीर की सब्जी बना लेते हैं, नहीं तो छोले बना लेते हैं। लेकिन अब आप पनीर छोले छोड़ अपने मेहमानों को और घर वालों को खुश कीजिए इस शाही मटर मखाने के साथ, वो भी मेरी स्पेशल ट्रिक के साथ। चलिए तो बातें बहुत सारी हो गई है, फटाफट रखते हैं गैस पर एक कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, चाहे तो घी ले लीजिए। फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम और जो भी हमने मखाने लिए ना 1.5 कप, सारे मखाने इसमें डाल देंगे तेल के गर्म होते ही। यहाँ पर हमें सब्जी में मखानों को ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि जो मखाने हैं बहुत जल्दी सब्जी में जाते ही सौगी हो जाएंगे, गीलीपन पर हो जाएंगे, टेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए भूनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ मखानों को, बस इस तरह से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन्हें बिल्कुल खस्ता करारा सा कर लेंगे, तभी ये सब्जी में बढ़िया लगेंगे। अच्छा, होटल रेस्टोरेंट्स में जो शादियों में क्या करते हैं ना, ज्यादा मात्रा में बनते हैं तो इन्हें डीप फ्राई कर देते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे तो किफायत के साथ बढ़िया टेस्ट के साथ बनाएंगे। लीजिए, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे, आपके मखाने बिल्कुल बढ़िया इस तरह से भुन करके तैयार हो जाएंगे। एक मखाना ऐसे तोड़कर देखिए, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम कुरकुरा हो गया है, बस हमें इतना ही मखाने को भूनना है। तो सारे मखाने एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडे होने देंगे। अब वापस से गैस पर यही कढ़ाई चढ़ाएंगे, थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल और 1 चम्मच डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि जो शादी पार्टी वाली सब्जियां होती है ना उनमें टेस्ट तभी आता है, चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, घी से एकदम बढ़िया स्वाद आएगा। अच्छे से हमारा तेल गर्म हो गया है तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ खड़े मसालों में मैंने ली है 2 तेज पत्ता, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग, 4 साबुत काली मिर्च और 4 हरी इलायची। तो सारे खड़े मसाले यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से तड़का लेंगे, जलने नहीं देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। अब यहीं पर फटाफट इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, अच्छे से जीरे को तड़का लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 प्याज जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया था, सारे यहीं पर डाल देंगे, फ्लेम को तुरंत से मीडियम हाई कर देंगे जिससे कि जो प्याज है वो पानी ना छोड़े। हाई फ्लेम पर ही प्याज को बढ़िया से लगातार चलाते हुए गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज में हल्का गुलाबीपन आना शुरू हो गया है जैसे कि भी आप देख सकते हैं। फटाफट से इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेटेड और लगभग 4-5 कली लहसुन की यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से प्याज के साथ इनको भून लेंगे। तो जो कसर प्याज में रह गई है ना वो अभी अदरक हरी मिर्च जब भूनेंगे तो उसके साथ पूरी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर प्याज में भी आ गया है, सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से भुन गई हैं और तेल भी हल्का रिलीज हो रहा है। तो बस इस स्टेज पर क्या करना है कि आप लीजिए 2 टमाटर, लाल वाले टमाटर लीजिएगा, देखिए इस तरह के, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। खट्टे वाले टमाटर मत लीजिएगा, टेस्ट खराब हो जाता है सब्जियों का। लाल होते हैं ना टमाटर तो उनमें खटास कम होती है तो वो फ्लेवर को बैलेंस करते हैं। टमाटर भी यहीं पर डाल देंगे। अब भाई टमाटर गए हैं तो साथ ही जाएगा नमक जिससे कि जो टमाटर है जल्दी से पक जाए। तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक, लगभग 1 छोटे चम्मच के करीब। अब यहीं पर हम डाल देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने लिए 1/4 कप काजू, बहुत ज्यादा काजू नहीं चाहिए, थोड़े ही काजू का काम है। तो यहाँ पूरे नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम अपनाएंगे एक ट्रिक, वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्या करना है। इसमें से आधे काजू आप यहीं डालिए, आधे बचा लीजिए,
काजू की वजह से ना तो हमें खोया मावा की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी दही की और ना किसी क्रीम की। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देंगे, एकदम रिच आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 1-1.5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर लिड, जिससे कि सब चीज बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और बस 1-1.5 मिनट हो गया है तो लिड को हटाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया, आप देख सकते हैं सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से पक गई हैं, तेल भी छूट रहा है। अब आती है वो हलवाई और ढाबे वाली ट्रिक कि वो जो सब्जी में टेक्सचर होता है ना, क्रीमी इफेक्ट भी होता है और दरदरापन भी होता है, मतलब पनीर बटर मसाला जैसा स्मूथ ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ी दरदरी भी रहती है और क्रीमी भी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस मसाले में से लगभग 65% मसाला हम एक कटोरी में अलग निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अभी आप देखिएगा क्या जबरदस्त सब्जी बनेगी। अच्छा कोशिश कीजिएगा जो खड़े मसाले हैं ना उसको मत लीजिएगा, उनको उसी में रहने दीजिए कढ़ाई में। काजू काजू ले लीजिए, ऐसे ही दिख जाएंगे, ऊपर से थोड़े से ही डालें। ये देखिए तो इसको हम अलग निकाल के रख देंगे, पहले इसे ठंडा होने देंगे। अब जो ये बचा हुआ मिक्स है ना हमारा कढ़ाई में, यहाँ पर फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ ताजा हरी मटर, जो भी हमने ली ना 1 कप, वो मटर हम यहीं पर डाल देंगे क्योंकि ये कच्ची वाली मटर है ना, थोड़ा समय लेंगी पकने में। साथ में यहीं पर हम डालेंगे हमारे बचे हुए काजू के टुकड़े, अच्छे से कर देंगे मिक्स। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारा मिक्स डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये जो हम पेस्ट तैयार करेंगे ना, इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स, ये इतनी काम की चीज है, मतलब इतना बढ़िया इसको टेस्ट देगी, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि ये सब्जी आपने घर में बना ली, वो भी इतनी आसानी से। ये देखिए मैंने बढ़िया से सभी चीजों को पीस लिया, हमारी इंस्टेंट ग्रेवी है बिल्कुल तैयार। चलिए अब आ जाते हैं वापस कढ़ाई पर। तो यहाँ मटर और काजू भी हल्के से पक गए हैं, तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे हमारी तैयार ग्रेवी मिक्स। ये लीजिए, और जो इस मिक्सी में लगा हुआ है ना, थोड़ा सा पानी डालकर इसी में ऐड कर देंगे। अच्छा हमारी जो ग्रेवी है वो पहले से काफी ज्यादा भुनी हुई है, तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और इसमें जाएंगे इस स्टेज पर फ्लेवरफुल मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, साथ ही इसमें नेक्स्ट में डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर तीखा नहीं होता है, बढ़िया रंगत दे देता है, चाहे तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। सारे मसालों को करेंगे मिक्स। अब यहीं पर जो नेक्स्ट जरूरी चीज जाएगी वो है कसूरी मेथी। तो 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी हाथ में ऐसे लेकर मसल कर डाल देंगे। बढ़िया से सभी चीजों को करेंगे मिक्स। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ग्रेवी लग रही है, कुछ भी हमें बाजार से नहीं लाना पड़ा, कोई स्पेशल मसाला नहीं डाला, सिंपल घर की चीजों से तैयार कर रहे हैं। अब 1 मिनट बढ़िया से सभी चीजों को पका लेंगे। ये देखिए इस स्टेज पर अब इसमें जाएगा पानी। अब आप ये देख लीजिए कि आपको कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। मैं यहाँ 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो मखाने हैं ना वो पानी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पतला रखेंगे तो बाद में कंसिस्टेंसी परफेक्ट रहेगी। अच्छे से करेंगे मिक्स पानी डाल करके, और 2 मिनट और पका लेंगे कि बढ़िया से जो हमारी ग्रेवी है वो तेल छोड़ दे और बढ़िया रंगत आ जाए। और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, ऑयल भी रिलीज हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे तैयार भुने हुए मखाने। याद रखिए कि इस सब्जी के लिए आपको मखाने बहुत पहले से नहीं डालने हैं, वरना क्या होगा कि मखाने बाय द टाइम आपकी सब्जी तैयार होगी बिल्कुल गीले से हो जाएंगे, सौगी हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो आप मखाने लास्ट में ही डालें और उसके कुछ देर बाद आप सर्व कर दें। यदि यहाँ आपको ज्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप कि मटर काजू वगैरह एकदम नरम बढ़िया हो गए हैं, इसलिए मैंने काजू और मटर को पहले डाला, जैसे कि वो खाने में हमें सख्त ना लगे। मखाने डालकर 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे, जिससे कि जो ग्रेवी है वो मखानों में अंदर तक चली जाए। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच फिटी हुई मलाई, जो दूध के ऊपर उबालने के बाद मलाई आ जाती है ना, तो उसको बस मैंने ले लिया है और चम्मच से फेंट लिया है। चाहे तो आपके पास जैसे अमूल फ्रेश क्रीम वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये शाही सब्जी बना रहे हैं ना तो ये चीजें जरूरी है इसमें पड़ना, तभी इसका टेस्ट इनहेंस होता है। साथ ही में जाएगा यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। बस लास्ट में ऊपर से इसको थोड़ा सा और सजा देते हैं बारीक कटे हुए हरा धनिया, थोड़े से जूलियंस। अब बताइए लग रही है ना जबरदस्त वाली, और सिर्फ लग नहीं रही, 1 चम्मच खाते ही सभी तारीफ करेंगे आपकी, और आपके मेहमान तो इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि कैसे ये बनाई। और ये देखिए इसका टेक्सचर, रिच टेस्ट, रिच कलर और जबरदस्त महक के साथ। और ये देखिए हमारी शादी पार्टी वाली ढाबा होटल से भी बढ़िया शाही मखाना मटर है बिल्कुल तैयार।
यकीन मानिए टेस्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं है, आप बनाकर देखिएगा। और आप ये जो टेक्सचर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी वजह से आया है जो हमने थोड़ा पोर्शन मिक्स का इसी तरह छोड़ा था दरदरा और थोड़ा हमने पीसा। जरूर जरूर बनाइए, मेरी ट्रिक से बनाइए, आपको बिल्कुल हलवाइयों वाला स्वाद आएगा सब्जी में। आप भी फटाफट से किचन में जाइए क्योंकि सामान सारा घर में है, बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी बनी आपकी शाही मटर मखाना, ये शादी पार्टी वाली हलवाई स्टाइल सब्जी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।